सभी को जय श्री राम और आप सभी का हमारे चैनल रिएक्शन शॉर्ट्स विद वायरल दीदी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ग्रॉसरी जो है अपनी लाए हैं शॉपिंग करके, तो उसको हम ऑर्गेनाइज करके आपको दिखाते हैं। तो इसको हम दिखाते हैं, तो हम क्या करेंगे, सारे डिब्बों को हम लगा लेंगे पहले सेटिंग से, बीच बीच में दिखाते रहते हैं। ये न्यूट्रला है, तो न्यूट्रला को आप लोग सोच रहे हैं कि हम बनाने से पहले ही क्यों काटते हैं, क्योंकि आप ऐसे बॉक्स में रखे रहेंगे तो इस्तेमाल करना काफ़ी आसान हो जाता है। इस प्रकार से ये सारे हैं, ये हमारे पोहे हैं, तो मैं बहुत थोड़े थोड़े पोहे मार्केट से लाती हूँ और इसको मैं इस बॉक्स में, तो ज़्यादा पोहे बरसात में ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने थोड़े थोड़े पोहे लिए हैं। जब आप तड़का लगाएंगे तो ऐसे कुकिंग करने में आसानी होती है। दो दो पैकेट नमक, जब आप लोगों को याद नहीं होता तो दो पैकेट नमक एक साथ में लेंगे। आपके लिए काफी कन्वीनियंट हो जाता है इस तरह से रखना। आप देख सकते हैं ये आप ये
ये देख सकते हैं कुछ मसाले हैं जो आपको समय पे नहीं मिलते, तो आप ऐड हैं मसाले हाँ। और ये हम सबसे तो अब सब बॉक्स को हम क्लोज करते हैं और बताते हैं आपको कुछ और टिप्स। और बचा हुआ एक मिनट करते हैं, जाते हैं तो एयर टाइट में हम रखेंगे इसको। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारी सारी चीजें एकदम पैक हो चुकी है। कि मैंने जो चीज़ें लाई थी मार्केट से ग्रॉसरी की, वो सारी चीज़ें मैंने पैक करके इस तरह से बरसात में बचा लिया है। तो फ़िलहाल अभी तो मैं इतना ही कुछ लाई थी, तो जो चीज़ें ख़त्म होती है वही लाती हूँ, तो वो मैं पैक कर रही थी। तो सोचा आप लोगों को भी बता दूँ कि किस तरह से सारी चीज़ों को पैकेट से बाहर कर लेना चाहिए अगर खाना है तो, नहीं तो वो पैकेट में ही रह जाती हैं बहुत दिनों तक और आप उनको खा नहीं पाते हैं। तो आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल पे आने के लिए, रिएक्शन शॉर्ट्स विद वायरल दीदी पर आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी सपोर्ट करिए। जय श्री राम।